मैं तुम सबकी बाबत नहीं कहता, जिनको मैंने चुना उन्हें मैं जानता हूं, लेकिन ये इसलिए है कि ये नविश्ता पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुमको जताए देता हूं, ताकि जब हो जाए तो तुम ईमान लाओ कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। ये बातें कहकर यीशु अपने दिल में घबराया और ये गवाही दी। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक शख्स मुझे पकड़वाएगा। शागिर्द शुबा करके कि वो किसकी निस्बत कहता है, एक दूसरे को देखने लगे। उसके शागिर्दों में से एक शख्स जिससे यीशु मोहब्बत रखता था, शिमोन पतरस ने यीशु से पूछा, बताइए कि आप किसकी निस्बत कहते हैं। उस शागिर्द ने उसी तरह यीशु की छाती का सहारा लेकर कहा, ए खुदावंद, वो कौन है? जिसे मैं निवाला डुबो कर दूंगा वही है। फिर उसने निवाला डुबोया और लेकर शमुअन स्क्रियोती के बेटे यहूदा को दे दिया, और उस निवाले के बाद शैतान उसमें समा गया। जो कुछ तू करता है जल्द कर ले। मगर जो खाना खाने बैठे थे उनमें से किसी को मालूम ना हुआ कि उसने ये यहूदा से किस लिए कहा। चूंकि यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए बाज ने समझा कि यीशु उसे ये कहता है कि जो कुछ हमें ईद के लिए दरकार है खरीद ले, या ये कि मोहताजों को कुछ दे। बस वो निवाला लेकर फिलफौर बाहर चला गया। और रात का वक्त था। जब यहूदा बाहर चला गया तो यीशु ने कहा, अब इब्ने आदम ने जलाल पाया और खुदा ने उसमें जलाल पाया, और अगर खुदा ने उसमें जलाल पाया तो खुदा भी उसे अपने आप में जलाल देगा, बल्कि उसे फिलफौर जलाल देगा। ऐ बच्चों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने यहूदियों से कहा कि जहां मैं जाता हूं तुम नहीं आ सकते, वैसा ही अब मैं तुमसे कहता हूं। और अब मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैं तुमसे मोहब्बत रखता हूं एक दूसरे से रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ए खुदाबंद, तू कहां जाता है? जहां मैं जाता हूं अब तो तू मेरे पीछे नहीं आ सकता, मगर बाद में मेरे पीछे आएगा। ए खुदाबंद, मैं तेरे पीछे अब क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपनी जान दूंगा। क्या तू मेरे लिए अपनी जान देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि मुर्ग बांग ना देगा जब तक तू तीन बार मेरा इनकार ना कर लेगा।